ही फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लौंग लती का स्पेशल। और लौंग लती का बनाने के लिए नागपंचमी में हम लेंगे प्लेन फ्लोर मैदा, जो आप कप देख रहे हैं से 2 कप ऑफ मैदा मैंने लिया है, और 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबल स्पून ऑफ घी हम लेंगे। आप रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं मोइन देने के लिए, ताकि हमारा लती का काफ़ी खस्ता बने। और ये कुछ लौंग हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने लती का बनाने के लिए। मावा हमारी फिलिंग के लिए जाएगा और ये 50 ग्राम मावा है, और अगर आपका एक्स्ट्रा पच भी जाता है तो आप उसको रख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं उसमें। शुगर हम लेंगे 1 1/2 कप चीनी और 1 कप पानी चाशनी बनाने के लिए, मावा में डालेंगे थोड़ा। और ये हम कुछ एक चुटकी ले लेंगे केसर यानी सेफ्रॉन और 1 टीस्पून ऑफ ग्रीन कार्डमम यानी छोटी इलायची कुटी हुई। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम अपना मावा तैयार करेंगे। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, मीडियम फ्लेम पर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद क्रम्बल किया हुआ जो मावा है हमारा, वो डाल करके अच्छे से हम इसे लगातार चलाते हुए ड्राई भुनना है, क्योंकि मावा में ऑलरेडी काफ़ी घी होता है तो हमें उसमें एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनना, बस हल्का सा मावा हमारा जो है वो सॉफ्ट हो जाए और अपना घी छोड़ने लगे, तब तक का हमें मावा अपना भुनना है। पर ध्यान रहे, सब कुछ मीडियम फ्लेम पे ही करना है, कहीं अगर हाई फ्लेम पे होगा तो जलने का डर है। तो आप देख सकते हैं मावा हमारा सॉफ्ट हो गया है, हल्का हल्का घी भी छोड़ रहा है, और ये सारा प्रोसेस हमने मध्यम आंच पे यानी मीडियम फ्लेम पे किया है। तो मावा अभी हमारा जैसा हमें चाहिए वैसा डन है। अब हम इसमें इस टाइम पे अबाउट 2 टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच शुगर यानी चीनी मिला देंगे। चीनी मिलाने के बाद थोड़ी देर हम इसे और भुनेंगे और फिर अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इसमें हम चीनी मिला देते हैं अच्छे से और अच्छे से मिक्स कर देते हैं एकदम बढ़िया से, ताकि वो पूरे मावे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद ये देखिए, ये अच्छे से मिल गया, हो गया, फ्लेम अपना ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है, एक बोल लेंगे बड़ा सा और उसमें हम अपना मैदा डालेंगे, घी डालेंगे और घी से अच्छे से मोइन देंगे। अच्छे से मोइन देने से मतलब एकदम जो आपका मैदा है और घी है, आप रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, तो अच्छे से मिल जाना चाहिए। जितना अच्छा मोइन जाता है उतना ही अच्छा, उतनी क्रिस्पी आपका जो भी आप बना रहे हैं वो बढ़िया बनता है। मैं लौंग लती का बना रही हूँ तो उतना ही क्रिस्पी बनेगा और उतनी ही ज़्यादा दिन वो चलेगा भी। तो इसको अच्छे से हाथों से इस तरीके से रब कर लेंगे, ताकि हमारा मावा और घी अच्छे से मिल जाए, सॉरी मैदा और घी अच्छे से मिल जाए। ये देखिए हो गया। अभी हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि हमने मोइन अच्छे से दिया है तो बहुत ज़्यादा पानी भी हमें नहीं चाहिए। बट हमारा 1 कप ऑफ पानी लगेगा और अच्छे से हमें इसे सॉफ्ट गूंद के तैयार कर लेना है, देखिए इस तरीके से। और ये काफ़ी अच्छे से गूंद रहा है हमारा बढ़िया से, और सॉफ्ट डो आपको तैयार करना है। और इसके बाद आप इसे 2 मिनट का रेस्ट दें, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए हमारा डो तैयार है, इसे 2 मिनट का रेस्ट दे देंगे ताकि अच्छे से थोड़ा और सेट हो जाए बढ़िया से। देखिए काफ़ी सॉफ्ट बना है। तो ये, और अभी हम इस टाइम इसके पहले लोइयां तैयार कर लेते हैं। और जब तक मैं ये सब काम कर रही हूँ, मैंने तेल अच्छे से चढ़ा दिया, रिफाइन ऑयल एकदम बढ़िया से, ताकि वो जब तक तलने लायक हो हमारा तेल गर्म हो जाए। तो लोइयां मैंने बना ली हैं 2 बड़ी साइज़ की, और थोड़ा सा हम आटा यानी मैदा इस पर डस्ट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, और इसके बाद एक एक करके लोइयां हम अपनी बेलनी शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम हाथों से फ्लैट कर लेंगे इसे, और इसके बाद बेलन की हेल्प से इसे अच्छे से चारों तरफ से बराबर हो इस तरीके से बेल लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कम मोटा या ज़्यादा हो, चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं इतनी मैंने इसकी बर्थ छोड़ दी है, अबाउट 1/2 इंच मोटा होगा। और इसके बाद किसी भी ढक्कन, ग्लास या प्री कटर की हेल्प से आप राउंड राउंड पूरी की शेप में काट के तैयार कर लें। तो ये हो गया, इसमें मेरे 2 बन रहे हैं, तो इसे तैयार कर लेना है।
और इसी तरीके से सारी लोहिया में बेल के पूड़ी के शेप की एक एक करके सारी पूड़ियाँ निकाल लेनी है। और जो ये पूड़ियाँ मैंने काट के निकाली हैं, इसमें से एक ले करके पहले अच्छे से थोड़ा सा और फ्लैट कर लेंगे इसे, थोड़ा सा पतला। और थोड़ा सा फ्लैट करने के बाद इसमें फिर हम इसकी लतिका बनाएंगे। लॉन्ग लतिका मेन इसके लिए बोलते हैं, जो ये हम बनाएंगे गुजिया, एकदम ये चंद्रकला और गुजिया के टेस्ट का होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। बट ये गुजिया और चंद्रकला दोनों से बनाने में काफ़ी आसान है, काफ़ी जल्दी बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता जितना हमें गुजिया या इसमें चंद्रकला में लगता है। तो ये देखिए हमने फिलिंग डाल दी है और चारों तरफ से थोड़ा सा पानी हम लगा देंगे पूरे राउंड में। पानी लगाने से ये चिपकने में आसानी होता है, अच्छे से चिपक जाते हैं। तो ये पानी लगा करके ये एक तरफ से हम उठाएंगे, इसको इस तरीके से फिलिंग के ऊपर रखते हुए कवर कर देंगे चारों तरफ से। जितना पानी लगा है हम प्रेस करेंगे अगर हल्के हाथों से, तो वो बहुत ही आसानी से एकदम अच्छे से ये देखिए चिपक गया। इसके बाद अब हम सामने वाले अपोजिट साइड से उठाएंगे पोर्शन और उसको वापस से ऊपर लाते हुए चिपका देंगे हल्के हाथों से। और इसके बाद आप साइड साइड से जो पोर्शन है उसे भी लाएंगे और चिपका देंगे इस तरीके से, अच्छे से कवर कर देंगे। तो ये देखिए ये एक पॉकेट टाइप का बन गया, पूरी फिलिंग अच्छे से कवर हो गई, कहीं कुछ खुला नहीं है। और इसके बाद जहाँ पे जो आपको पोर्शंस दिख रहे हैं चिपके हुए, ये इस तरीके से पॉकेट टाइप का, तो जो कॉर्नर्स हैं जहाँ पे एंड खत्म हुआ फोल्ड्स का, वहाँ पे हम लॉन्ग लेंगे और लॉन्ग को प्रेस कर देंगे, यानी लॉन्ग लगा देंगे अच्छे से अंदर तक। और ये देखिए, ये देखिए कि इस तरीके से बनता है लॉन्ग लतिका, इसे बनाना वाकई में बहुत आसान है। तो ये देखिए काफी बढ़िया से। तो अभी हम चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। एक पैन लेंगे जिसमें हम चीनी डाल देंगे अपनी और पानी, और अच्छे से इसको घुलने देंगे जितनी हमारी जो शुगर है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए वाटर में, अच्छे से एकदम बढ़िया से। तो ये देखिए ये डिजोल्व हो रहा है। और अभी हम इसमें छोटी इलायची और केसर भी डाल देते हैं। तो जब तक चाशनी हमारी हो रही है, लॉन्ग लतिका तैयार है, हमारी कढ़ाई का तेल भी गर्म है, तो इसे हम तल लेते हैं एक एक करके। जितना इतना ऑयल हमें लेना है कि इतने में डीप फ्राई हो जाए, तो जितनी आपकी कढ़ाई में स्पेस हो उतने आप लतिका डालें। मेरे में ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं कम से कम चार डाल रही हूँ, आप चार या पाँच ऐसे डाल सकते हैं। तो चार डाल के अच्छे से इसे हिलाते हुए लगातार हल्के हाथों से एकदम, और उस गोल्डन ब्राउन करना है चारों तरफ से, एक कलर से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और इसके बाद कि आप चाहो तो बिना चाशनी के भी खा सकते हैं, और चाहे तो चाशनी के साथ। देखिए हमारी चाशनी भी रेडी है, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये एक तार की चाशनी हमारी रेडी है। इधर हमारी लॉन्ग लतिका भी तैयार है, देखिए काफ़ी अच्छे नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो इसे हम अभी यहाँ से निकाल लेंगे ऑयल से, और जो दूसरे लतिका है उसे हम फ्राई होने को डाल देंगे। जैसे कि करके रिमूव कर लेते हैं और दूसरी लतिका डाल देते हैं फ्राई होने के लिए, सेम वैसे इन्हें भी हमें फ्राई करना है। तो ये बनाना स्टेप बाय स्टेप वेरी इजी है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये लीजिए अब इन लॉन्ग लतिकास को थोड़ा ठंडा करके हम चाशनी में डाल करके अच्छे से चाशनी को एक जितनी लतिकास हम डालेंगे पूरी तरीके से ओवरलैप कर देना है, चारों तरफ चाशनी अच्छे से लग जानी चाहिए जैसे कि चंद्रकला में लगी हुई होती है। तो ये देखिए, और अब इसको आप, मैं मिट्टी के एक कुल्हड़ में सर्व कर रही हूँ ताकि एक हल्का सा इंडियन वाला जो सूंधा बनाता है वो आ जाए। और सिल्वर वर्क किया है, चाशनी डाली है ऊपर से, तो काफ़ी दिखने में भी एकदम इंडियन स्वीट लग रहा है, काफ़ी बढ़िया। तो कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, इधर नागपंचमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है आप, तो अपने एक्सपीरियंस बनाने के बाद मुझे शेयर करें और लाइक करें, जितना हो सके दूसरों से शेयर करें ये रेसिपीज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर मोर यूजफुल एंड डिलीशियस रेसिपीज़। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।